A few moments later. नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है। हमारी चुके कथा जो कि आज सातवां दिवसीय कथा है, पंडित प्रदीप मिश्र सिंगर वाले और तीसरी खजार मंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा के सान्निध्य में यह पूरा आप जैसा देख रहे हैं कथा श्री पुराण हुआ, अच्छे से सब कुछ हो गया। और आप यहाँ पर मेला कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जो कि लगा हुआ था। आपको 12 बजे तक रात तक मेला लगा रहेगा, कोई भी दिक्कत और सुविधा आपको नहीं होगी। जो लोग आएंगे तो उनको पता होगा, तो जैसा आपको पता होगा सातवां दिन का कथा 8 से 11 रखा गया था, क्योंकि बहुत लोग आने जाने में असुविधा होती है, इसीलिए महाराज जी ने 8 से 11 रखा था समय। तो आइए हम चलते हैं, आपको कथा स्थल पर ले चलते हैं और मैं आपको इसमें दिखाऊंगा मनगंगा घाट से नाव इस बार कैसे आते हैं, कितना चार्ज है, और भीड़ आपको मैं दिखा दूँ, लगभग लाखों की तादाद में लोग हैं। मंच के दाहिने तरफ जो वस्त्र बल्लियों पर बैरिकेडिंग पर पड़े हैं, आपसे सुगौशाला की तरफ बैरिकेडिंग पर पड़े हैं, उनको तत्काल हटा लें, क्योंकि हटा वरना हमारे कार्यकर्ता हटा देंगे तो आपको ये मिल नहीं पाएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय। हेलो, देखिए सब लोग देखिए मस्ती में सोया हुआ है और सबका शिवलिंग आप देख रहे हैं बन चुका है और सब लोग अपना पूजा कर लिए हैं। उस करने के बाद व्यासपीठ का पंडित प्रदीप मिश्रा जी का इंतजार कर रहे हैं लोग कि 2 बजे आए और कथा शुरू हो और इन लोग अपना शिवलिंग पार्थिव बना के पूजा करने लग रहे हैं और सब लोग खाली हो गए इसलिए फोटो, और कुछ लोग सो भी रहे हैं। A few moments later. देखिए पंडाल में बैठने के लिए लड़ाई हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ 17 से आए हैं और लोग बीच में आगे बैठेंगे तो किसी के भी डिस्टर्ब करेगा। आप देख रहे एक साधु है जोगी, उनसे लड़ाई हो रहा है। Thank you.
तो जैसा आप देख रहे हैं तो कथा समापन हो गया है। आज तीसरा दिवस था कथा का, तो आप जैसा भीड़ देख सकते हैं कल से ज़्यादा भीड़ आज था। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। महादेव श्री शिवाय नमस्ते।